कुदरत के खूबसूरत नजारे हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। बांझ के घने जंगलों में अटखेलियां करती धूप, दूर दूर तक फैली हरियाली, दिल और मस्तिष्क को शांत और सुकून का एहसास कराने वाली फिजा, ये कुदरत का जादू ही है जिससे कोई नहीं बच पाता। इसी जादू एहसास का नाम है भीमताल। प्रकृति के इसी जादू के गवाह बने हैं ग्राफिक एरा ग्रुप के दोनों विश्वविद्यालयों के अचीवर्स, दुनिया को नई खोज की सौगात देने वाले, शोध या दूसरे क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले और अपनी ब्रांच के टॉपर इन अचीवर्स में शामिल हैं। अचीवर्स को महज पढ़ाई तक सिमट कर रहने के बजाय हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने, उनकी प्रतिभा को और निखारने की एक कोशिश ने इन अचीवर्स को भीमताल पहुंचा दिया। ये मौका था अचीवर्स मीट का। इन अचीवर्स के बहुमुखी विकास और इन्हें विशेषज्ञों से सफलता के गुर सिखाने की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत इस अचीवर्स मीट की एक नई शुरुआत की गई है। ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय के भीमताल परिसर में इस अचीवर्स मीट का आयोजन किया गया। ग्राफिक एरा ग्रुप के अध्यक्ष और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रख्यात शिक्षक डॉक्टर कमल घनशाला की दूरगामी सोच ने इस महत्वाकांक्षी पहल की बुनियाद डाली। डॉक्टर कमल घनशाला चाहते हैं कि अचीवर्स की प्रतिभा को इस तरह तराशा और संवारा जाए कि वे एक कामयाब प्रोफेशनल और एक अच्छे इंसान बनकर अपना, अपने माता पिता और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। अचीवर्स को देखकर दूसरे छात्र छात्राओं में भी अचीवर बनने की ललक और कठिन परिश्रम करने का जज्बा पैदा हो सके। On one side, this is an effort to recognize the talent of our achievers. On other side, we would like to motivate other students so that they also become the part of this elite group. Or they have been toppers, they have proven themselves in academics, but they must be having other talents also. So this is an occasion, this is an opportunity. भीमताल में 12 सितंबर की सुबह यूं तो एक आम दिन जैसी ही थी। गुनगुनी धूप, सूरज से लुका छिपी करते बादलों के बीच बहती ठंडी बयार, लेकिन इस आम दिन को भीमताल में जुटे करीब 200 अचीवर्स और शिक्षा जगत के पुरोधाओं की जोश भरी मौजूदगी ने एक खास दिन बना दिया। दीप रोशन करने के साथ इस नई और महत्वाकांक्षी योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया। ग्राफिक एरा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने ग्राफिक एरा के छात्र छात्राओं की क्रांतिकारी खोजों का उल्लेख करते हुए अचीवर्स मीट का उद्घाटन किया। डॉक्टर घनशाला ने बताया कि कैसे ग्राफिक एरा का बीटेक का छात्र अभिलाष सेमवाल मोबाइल बम डिटेक्टर बनाकर दुनिया के लिए खास बन गया, किस तरह ग्राफिक एरा के बीटेक के छात्र लवेश ग्रोवर ने कंप्यूटर का सिंगल स्टेप वाला ग्रे कोड बनाकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने अपने और अपने परिवार तक सिमट कर रह जाने की बजाय समाज और देश के लिए सोचने और कुछ करने का आह्वान किया। आपको पासिंग आउट जैसे अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, इसलिए जॉब नहीं कर रहा। सी जॉब इज जस्ट अ लॉन्चिंग पैड फॉर यू, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। इफ यू हैव वर्क देन यू विल गेट मेनी मोर अपॉर्चुनिटी। देश के जाने माने शिक्षाविदों की भागीदारी ने इस अचीवर्स मीट की महत्ता और बढ़ा दी। इग्नू के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एम पंत ने अचीवर्स का मार्गदर्शन करने के साथ ही उन्हें नए आईडिया के साथ आगे आने और नई खोज करने की सलाह दी। प्रोफेसर पंत इज अ चैंपियन स्पीकर, आई विल लेट दैट बी माय इंट्रोडक्शन एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट इज नॉट अ लेक्चर एंड ही सेड ही डजंट वांट टू गिव अ लेक्चर। आई आल्सो डोंट वांट टू गिव यू अ प्रिपेयर्ड लेक्चर। आई कैन गिव यू प्रिपेयर्ड लेक्चर्स एंड कोर्सेज बट आई हैव डन दैट फॉर 50 इयर्स ऑफ माय लाइफ। सो व्हाट कैन आई डू इफ आई वांट टू रियली रिलेट टू यू? What I'll do is, you want to sleep, go in and sleep. I'll tell you about dreams. I'll tell you about dreams of the future, dreams of what is happening.
If those dreams now, instead of letting you sleep, keep you awake, that is not my fault. अचीवर्स मीट के पहले सत्र में NSIT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर रंजीत सिंह, प्रमुख शिक्षाविद प्रोफेसर BS पठानिया, विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर SN जोशी, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर RC जोशी, कुलपति डॉक्टर VK तिवारी, ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय जसोला, शिक्षाविद डॉक्टर दुर्गेश पंत, डॉक्टर DR गंगोटकर, भीमताल परिसर के डीन डॉक्टर RC मेहता और कई विशेषज्ञों ने अचीवर्स का उत्साह बढ़ाया। विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत कुछ नया सीखने का शानदार मौका था। अचीवर्स मीट की पहली शाम संस्कृति के मनमोहक रंगों से गुलजार हो उठी। विश्वविद्यालय के भीमताल परिसर के छात्र छात्राओं ने अपनी वंचीय प्रतिभा की ऐसी झलक दिखाई कि हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। अध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुण मंडिताय गुणेशानाय धीमहि। माँ दुर्गा के 9 रूप और महिषासुर वध की झांकी पेश करने वाली नृत्य नाटिका ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। जाति, लिंग और रंग भेद पर कड़े प्रहार करने वाले नाटक पानी तेरा रंग कैसा के माध्यम से ग्राफिक एरा के छात्र छात्राओं ने समाज के सुलगते हुए सवालों पर नई नस्ल की सोच को बखूबी दर्शाया। सीखने सिखाने के सिलसिले के बीच मनोरंजन की बौछारों ने अचीवर्स को बहुत प्रभावित किया। इस सांस्कृतिक संध्या में एक दौर ऐसा भी आया जब शिक्षकों और अतिथियों के साथ ही ग्राफिक एरा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने भी मंच पर आकर गीत सुनाए। बादल है वो कल का, ढल के चले जाना है। अचीवर्स मीट की दूसरी सुबह अचीवर्स के प्रेजेंटेशन के नाम रही। BTech कंप्यूटर साइंस के छात्र लवेश ग्रोवर ने कंप्यूटर पर होने वाले कार्यों और कोड को हैक होने से बचाने के लिए सिंगल स्टेप के ग्रे कोड की अपनी खोज पर एक प्रेजेंटेशन दिया। BTech सिविल इंजीनियरिंग के छात्र नीरज रयाल ने सेल्फ हीलिंग कंक्रीट पर प्रेजेंटेशन देकर बताया कि सीमेंट में एक खास किस्म का वायरस मिलाने के बाद उससे तैयार कंक्रीट 5 सेंटीमीटर तक की दरारों को खुद ही भर देता है। बायोटेक की छात्रा मीनल लोहानी ने इबोला वायरस और उससे बचाव के तरीकों पर पेपर प्रस्तुत किया। परविंदर सिंह ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को व्यापार से जोड़ने पर प्रेजेंटेशन दिया। मीडिया एंड मास्कॉम की स्मृति उनियाल ने ऑनलाइन जर्नलिज्म पर प्रेजेंटेशन दिया। इस सत्र में स्काईबस, iJot, 3D प्रिंटर्स, कॉर्पोरेट एथिक्स जैसे तमाम विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए गए। यह सत्र प्रतिभाओं को महज एक बड़ा मंच देने का प्रयास ही नहीं था, बल्कि इसने अचीवर्स को नए ढंग से सोचने और दुनिया की जरूरतों से खुद को जोड़ने की प्रेरणा भी दी। ज्ञान को बांटने और कुछ नया सीखने के इस सिलसिले की कामयाबी की जीवंत मिसाल बनकर आए ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के एलुमिनाय। इस विश्वविद्यालय से पास आउट होने के बाद कुछ ही अरसे में देश की प्रमुख कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर पहुंच चुके इन युवाओं ने अचीवर्स के साथ अपने अनुभव बांटे। अपने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं मयंक कुकरेती, वैभव मित्तल, अमित टिक्कू, तेजस्विनी कोचर और विपुल गुप्ता की जुबानी सफलता की कहानी सुनकर छात्र छात्राएं उत्साह और गर्व से लबालब नजर आए। अचीवर्स मीट की दूसरी शाम का आगाज नुक्कड़ नाटकों के साथ हुआ। भीमताल परिसर के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने सामाजिक कुप्रथाओं पर तीखे तंज कसे। इसके बाद ग्राफिक एरा के भीमताल परिसर का ओपन एयर थिएटर उत्तराखंड की संस्कृति के सुनहरे रंगों से रोशन हो उठा। मशहूर गढ़वाली गीतकार गजेंद्र राणा के फुर्की बांध, बबली तेरा मोबाइल जैसे गीत किसी जादू की तरह पूरे ऑडिटोरियम में छा गए। We have Gajendra Rana here.
इन गीतों के साथ ही युवा थिरकने लगे। कुछ ही देर में माहौल में ऐसी मस्ती घुल गई कि हर कोई नाचने लगा। कुमाऊनी गीतकार ललित मोहन जोशी ने नैनीताल की माधुरी टक टकाटक कमला जैसे गीतों के जरिए युवाओं के कदमों की गति और बढ़ा दी। प्रोफेशनल कलाकारों के इस मंच पर विश्वविद्यालय के छात्र अंकित ने भी सधे हुए अंदाज में गीत गाकर ये जता दिया कि वैज्ञानिक खोजों में अपना लोहा मनवाने वाले ग्राफिक एरा के युवा आवाज के जादू के मामले में भी पीछे नहीं हैं। अचीवर्स मीट का तीसरा दिन नैनीताल भ्रमण के साथ शुरू हुआ। इसके बाद बारी आई सात ताल की ट्रैकिंग की। भीमताल पहुंचकर अचीवर्स एक बड़े दल के रूप में पैदल सात ताल के लिए रवाना हुए। ग्राफिक एरा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला सबसे आगे चल रहे थे। पूरे रास्ते गीत गाते और जगह जगह रुक कर फोटो खींचते छात्र छात्राएं और शिक्षक एक घंटे से भी कम समय में करीब 6 किलोमीटर का फासला तय करके सात ताल पहुँच गए। सात ताल में झील के किनारे घने जंगलों के बीच बना YMCA का परिसर प्राकृतिक सौंदर्य की मिसाल पेश करता है। इसी परिसर में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए टेंट लगाकर रहने और कैंप फायर की व्यवस्था की गई थी। कैंप फायर से पहले ग्राफिक एरा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला ने अचीवर से सीधा संवाद किया। करीब 2 घंटे चली इस बातचीत में डॉक्टर घनशाला ने छात्र छात्राओं को शिक्षा, करियर, कामयाबी आदि से जुड़े उनके हर सवाल का जवाब दिया। अचीवर्स के अनुरोध पर डॉक्टर कमल घनशाला ने 2 दशक पहले एक कंप्यूटर सेंटर शुरू करने से लेकर 2 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनाने तक की सफलता के सफर की कहानी उन्हें सुनाई। इस कहानी में लक्ष्य तय करने की बुद्धिमानी, उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला और जीवट, जोखिम से न डरने की फितरत, साजिशों और बुराई में भी कुछ पॉजिटिव तलाश लेने वाला स्वभाव जैसी खूबियां सहज ही युवा हृदयों पर गहरी छाप छोड़ गईं। एक ऐसी छाप जो कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है, हर राग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। So at times in your life you will be alone, you have to take a stand, but if you are confident then you will succeed. सात ताल में कैंप फायर शुरू होते ही अचीवर्स खुशी से नाच उठे। काफी देर नाचने के बाद गीत सुनाने और अपने अनुभव साझा करने का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर घनशाला के साथ ही कुलपति डॉक्टर संजय जसोला, प्रोफेसर DR गंगोटकर, प्रोफेसर सुभाष गुप्ता, अतिथि अमरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी BS नेगी व DS रावत, शिक्षकों अमल शंकर शुक्ला, अमर जौहरी, कुलजिंदर सिंह, उप कुल सचिव अनिल चौहान आदि के साथ ही छात्र छात्राओं ने इस मौके पर कई कही अनकही रचनाएं सुनाई। अचीवर्स मीट की चौथी सुबह सात ताल से भीमताल तक ट्रैकिंग की गई। इस बार अधिकांश छात्र छात्राओं ने खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते को वापसी के लिए चुना। शिक्षकों की देखरेख में मीलों का यह सफर कुछ ही देर में पूरा हो गया। अचीवर्स मीट के आखिरी सोपान के रूप में ग्राफिक एरा के भीमताल परिसर में रस्साकसी, खो खो, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम आदि के मुकाबले हुए। सीखने और मनोरंजन के भरपूर मौकों ने इस बार पहली अचीवर्स मीट को अचीवर्स के लिए कभी न भूलने वाली यादगार बना दिया है। लेकिन यह आगाज है, अंजाम नहीं। भीमताल परिसर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनीष बिष्ट और उनकी टीम ने आयोजन को एक सुखद एहसास बनाने में अहम भूमिका निभाई। 4 दिन की इस अचीवर्स मीट को कामयाब बनाने में लगे कई चेहरे ऐसे भी हैं जो लगातार काम में जुटे रहने के बावजूद कभी सामने नहीं आए और उन्हें इसका जरा भी मलाल नहीं है। अपनी टीम को सफल बनाने की उनकी यही कोशिश टीम भावना का वो पाठ पढ़ाती है जो शायद किसी किताब में ना मिले।